नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर एक नजर। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे। जी, इस वक्त पद पे हूँ। जी, नई टीम जो बन रही है उसमें कौन सा पद मुझे मिलेगा ये मुझे नहीं पता, ये संगठन जानता है। जी, फिलहाल मैं 20 सालों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से कार्यरत हूँ। जी, तो क्या समस्या आपको है कि आप आज को स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में आना पड़ा आपको? ये है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे, जी, ये कई सालों से लगातार शिकायत आ रही है। मुझे नहीं लगता कि किनके सह पे ये कुकृत किया जा रहा है। मामला ये है कि हमारे ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सरकार के द्वारा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए बेहतरीन सुविधा प्रदान की जाती है। उसके बावजूद भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे एक एनएम है, उनका नाम मनसा राय, मनसा राय, और एक अंगूठा छाप डॉक्टर, जिसका हॉस्पिटल डॉक्टर तो है नहीं, अंगूठा छाप व्यक्ति है, हॉस्पिटल चलाता है, और मैं नहीं जानता हूँ किस आधार पे उसका हॉस्पिटल चल रहा है। तो कौन पता नहीं, पता नहीं सीएमओ महोदय का ध्यान उस पर आकृष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सीएमओ महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पर एक एनएम है मनसारा जो कार्यरत है, जो प्रति व्यक्ति जो भी महिलाएं आती हैं डिलीवरी के लिए उनका कमीशन तय करके उक्त सीधे उस हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो आप बताइए कि ये सरकार की छवि धूमिल की जा रही है कि सरकार के हक में फैसला किया जा रहा है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसडीएम सगड़ी महोदय और माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो समस्या मैंने बताई है, बिलरियागंज स्वास्थ्य केंद्र में जो मनसा राय नाम की एनएम कार्यरत हैं, कमीशन बेस पे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीब जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, जिनके घर की महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, उनको भय दिखा के कि आपका मरीज मर जाएगा, ऐसा कुछ भय दिखा के ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए सीधे सीधे कमीशन तय करके पर मरीज पे, उसमें तमाम आशा बहुएं भी संलिप्त हैं। मैं इस आपके चैनल से ये कह देना चाहता हूँ, मैं अपनी सरकार की छवि खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार निष्ठावान सिपाही हूँ। इस बारे में आप चिकित्सा अधिकारी से बात किया कि नहीं किया, क्या आश्वासन मिला आपको? मैं अभी कल ही संघ के प्रमुख कार्यकर्ता भाई राम कुमार सिंह जी के साथ मैं आया था। कल चिकित्सा प्रभारी बिलरियागंज डॉक्टर सतीश चंद्र जी से मेरी बात हुई, तो मैंने ये सारी चीज़ें उनसे बताई, तो उन्होंने मुझको कहा कि भाई साहब, मैं सीएमओ साहब को दो बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने उनसे ये जानना चाहा कि इसमें आपकी संलिप्तता है या नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मेरा बस काम था कि एप्लीकेशन देना, तो मैंने दे दिया है लिखित रूप से, लेकिन सीएमओ स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं और इसमें दो कड़ी जोड़ देना चाहता हूँ, बिलरियागंज में तमाम ऐसे लैब, तमाम ऐसे सोनोग्राफी सेंटर, तमाम ऐसे हॉस्पिटल जो बिना डिग्री के चल रहे हैं, महाराजगंज रोड पे और जीएनपुर रोड पे ऐसे तमाम हॉस्पिटल और लैब सोनोग्राफी सेंटर चल रहे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। मैं माननीय सीएमओ महोदय से निवेदन करते हुए ये मांग करता हूँ कि आप अपने स्तर से पूरे बिलरियागंज में जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी जाँच करके, अगर जो बिना डिग्री के चला रहे हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें।